चलो आज हम लोग देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर हम लोग बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो चलो हम लोग पिछले क्लास में डॉट प्रोडक्ट देख चुके हैं, और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखे थे कि डॉट प्रोडक्ट बेसिकली एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। यानी यदि हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ हेलो, नेटवर्क नहीं है। आवाज आ रहा है क्या सभी को? लाइट चला गया था इसलिए प्रॉब्लम हुआ थोड़ा, और थोड़ा मौसम, हाँ यहाँ थोड़ा मौसम का प्रॉब्लम, उसको बंद कर दीजिए लैपटॉप वाला, आवाज वहाँ भी आ रहा है। हाँ ठीक है, एक्चुअली यहाँ थोड़ा मौसम का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बारिश वरिश हो रहा है इसलिए नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट चला गया था। ठीक है, चलो हम शेयर करते स्क्रीन यहाँ पे। फिर चलेगा। बाबा नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक आ रहा होगा। ठीक सर, है, तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट क्या देख रहे हैं कि किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दो, बहुत ज्यादा इको हो रहा है यहाँ पे, नॉइज आ रहा है। ठीक है, डाउट होगा फिर पूछ लेना। तो देखो आपका माइक ऑन है क्या सर, यहाँ दो पे? स्मार्ट पेप का ऑन है। स्मार्ट किसका? स्मार्ट टेप का? पेप अच्छा हाँ ठीक है, माफ कर देते हैं। हाँ ठीक, ऑफ हो गया। तुम लोग कुछ पूछना होगा तो ऑन करके पूछ लेना। पार्टिसिपेंट्स तो 10 बच्चे हैं टोटल, शायद 9 बच्चे हैं। ये सब है आदित्य, अनुष्का। ठीक ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का वेक्टर ही मिलेगा। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते हैं, फिर लाइट चला गया, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कनेक्टेड है? अच्छा ठीक
ठीक है। ये नेटवर्क है ना, नेट उसमें है ना। ठीक है ठीक है, चलिए तो ऐसे ए क्रॉस बी लिखते हैं। तो इसका जो देखो यहां पे इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल होगा, जैसे कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा लेंगे इस बार, और साथ में एन कैप। एन कैप क्या देगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन देगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर हम लोग को मिल रहा है, ये हम लोग को एक वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग डिफाइन करते क्रॉस प्रोडक्ट को। जैसे मान लो तुमने एक वेक्टर लिया, डायग्राम पे देखो एक वेक्टर लिया तुमने, मान लो ए वेक्टर, ये सपोज कोई वेक्टर ए है, ठीक। और यहां पे हम लोग इस प्लेन पे एक दूसरा वेक्टर लिखे हैं, ये वेक्टर बी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग ए से बी की तरफ जाएंगे, ऐसे ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है। ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी। समझ में आ गया। तो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा, ये हम लोग इस प्लेन का नॉर्मल मिलेगा, ए क्रॉस बी एक प्लेन है, और यहाँ पे इस प्लेन का नॉर्मल, मतलब ये अगर प्लेन हो गया एक, तो इसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो देखो इस प्लेन का परपेंडिकुलर मिल जाएगा हम लोग को रिजल्टेंट, ये अगर कोई प्लेन हो गया ऐसा, ये प्लेन हो गया ए क्रॉस बी का, ठीक है। ऐसे बी की तरफ जाएंगे तो ये वाला हमको इसका नॉर्मल मिलेगा, एक इसका नॉर्मल होगा, ये देगा रिजल्टेंट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। ए एंड बी, ए और बी प्लेन का क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। सिमिलरली मान लो अगर तुम बी क्रॉस ए लेते हो, हम लोग क्या लेते हैं बी क्रॉस ए, मतलब देखो एक वेक्टर बी है ऐसे, और यहां पे एक वेक्टर ए है, ये ए बी का प्लेन हो गया। और हम लोग अब बी क्रॉस ए मतलब बी से ए की तरफ क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या मिल जाएगा, ये बी क्रॉस ए मिल जाएगा, बी क्रॉस ए ये निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये वेक्टर कौन सा मिलेगा, ये इस तरह नॉर्मल होगा, डायरेक्शन पलट जाएगा ए क्रॉस बी से। तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर का, ठीक है। इसको बोलेंगे नॉर्मल टू प्लेन, ये होगा नॉर्मल टू द प्लेन बी क्रॉस ए। तो तुम एक बात यहां पे देख रहे हो कि जो ए क्रॉस बी है वो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए का, क्योंकि डायरेक्शन पलट जा रहा है। और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है, यानी कि यहां से क्या पता चल रहा है कि ये एंटी कम्यूटेटिव है। जिस तरह डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा था, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटी कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन पलट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ए क्रॉस बी जो था, ए क्रॉस बी, ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, ये माइनस ऑफ बी क्रॉस ए आ जा रहा है, मतलब डायरेक्शन ठीक पलट गया, उल्टा हो गया। तो इसका डायरेक्शन निकालते विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग किस कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। देखो राइट हैंड रूल क्या है, यहाँ डायग्राम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे तुम दिख रहा है स्क्रीन पे। देखो यहाँ पे हम लोग हाथ को ऐसे रख रहे हैं, जैसे ये वेक्टर ए हो गया, हाथ को ऐसे रखे पहले, और ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो अपने हाथ को ऐसे रख के हम लोग घुमा रहे, कर्ल कर रहे हैं, सारे को हम लोग ए मान लिया, हम लोग फिंगर्स को, तो ए से बी की तरफ हाथ को ऐसे कर्ल कर रहे हैं, घुमा रहे हैं ऐसे, हम लोग ऐसे कर्ल कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग ए क्रॉस बी कर्ल करेंगे, तो थंब हमको यहाँ पे मिल रहा है हम लोग का, ये थंब जो है दिख रहा है, ये थंब क्या पॉइंट करेगा, ये थंब पॉइंट करेगा, ये ए क्रॉस बी को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये थंब पॉइंट करेगा ए क्रॉस बी को, यानी हम लोग डायरेक्शन निकाल रहे हैं इसका कि कैसे, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो इसको कर्ल कर रहे हैं हम लोग अपने हाथ को, तो एक थंब जो यहाँ पे मिलेगा, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। यहां से हमको ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा।
जैसे 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म में, कहीं के तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल पढ़े हो शायद, ठीक है, तो इस तरह निकालते हो। और अगर बी क्रॉस ए करना है तो उल्टा हाथ को घुमा रहे हैं ऐसे, बी से ए की तरफ जाएंगे, थंब नीचे की तरफ पॉइंटेड होगा, समझ में आ गया ना। तो इस तरह हम लोग डायरेक्शन निकालते विद हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। तो इसको हम लोग डिफाइन करते इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट को। चलो इसके आगे देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, समझ में आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या क्या होता है, एक्स वाई जेड के एक्सिस, आई कैप जे कैप एंड के कैप होता है, ठीक है, यूनिवर्सल डिफाइंड है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप। तो हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का निकाल रहे हैं, देखो इस तरह याद रखे, एक सर्कल बना लेंगे ऐसे, ठीक, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोज हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में एरो बना रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं हम लोग आई, यहाँ पे लिखते जे, यहाँ पे क्या हो जाएगा के, यानी अगर हम लोग आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा, ठीक भी है। आई क्रॉस जे का परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है, कौन सा एक्सिस होगा, के हो जाएगा, तो आई क्रॉस जे हम लोग को मिल जाएगा के कैप। याद रखने का तरीका कि आई से जे में जाएंगे तो के मिल रहा है, आई से जे में जाएंगे तो के मिल रहा है। उसी तरह यदि हम लोग जे से के में जाएंगे, देखो जे से के क्रॉस कर रहे हैं, जे क्रॉस के, तो आई मिल जाएगा ये वाला, देखो जे से के तक, के तक क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, ठीक। उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, के क्रॉस अगर आई करेंगे तो जे मिल जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिल जाएगा। तो इसको बोलेंगे रूल वन, समझ में आ गया, डायरेक्शन तो याद रहेगा ही, ये रूल वन है। उल्टा अगर तुम चलोगे, जस्ट क्लॉकवाइज चलोगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, रूल टू। यदि तुम जे क्रॉस आई लोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस के मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि जे से आई की तरफ जाएंगे उल्टा आ रहे हैं, तो देखो के का भी डायरेक्शन पलट जा रहा है, ऐसे एरो उल्टा कर दिए, तो ये हो जाएगा माइनस के, ठीक है, एंटी कम्यूटेटिव लॉ, एंटी कम्यूटेटिव लॉ, के क्रॉस जे कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सिमिलरली माइनस आई मिल जाएगा, और अगर हम लोग आई क्रॉस के कर देंगे तो माइनस जे मिल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा रूल टू। अच्छा अगर हम लोग वेक्टर का निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इटसेल्फ तो क्या होगा, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो होगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो आई क्रॉस आई करेंगे, आई का मैग्नीट्यूड वन यूनिट वेक्टर है, तो वन इंटू वन, इसके बीच में एंगल कितना, जीरो डिग्री, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया आई का, तो साइन जीरो का जीरो होता है इसलिए जीरो आ जाएगा, इसलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस ए, तीनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिक रूल हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कंपोनेंट्स का, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड देखते हैं हम लोग यूजिंग कंपोनेंट फॉर्म। पहले देखते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो मेथड वन क्या है, मेथड वन है यूजिंग कंपोनेंट फॉर्म, ये मेथड वन है कंपोनेंट फॉर्म, यूजिंग कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है, ये हो जाएगा यूजिंग कंपोनेंट फॉर्म पहला मेथड। चलो यदि हम लोग ए वेक्टर को मान कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, सब लोगों को पता होगा यूनिट वेक्टर के टर्म में, ए को सपोज मान ले रहे हैं एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी को मान ले रहे हैं हम लोग बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है, एक हम लोग तीन कॉम्पोनेंट ऐसे लिख सकते हैं, आई जे और के अलोंग एक को रिजॉल्व किए करते हैं कॉम्पोनेंट फॉर्म में, तो क्या लिखते हैं एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप,
और बी को लिख रहे हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो यदि हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो ए क्रॉस बी तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप क्रॉस कर रहे हैं बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तुम सॉल्व करोगे जब तो क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करते रहते तो एक्स बी एक्स मिल जाएगा ये, ठीक है नॉर्मल सा सॉल्व कर रहे हैं एक्स बी एक्स मिल जाएगा। और देखो आई क्रॉस आई मिल रहा है तो लिख देता आई क्रॉस आई हो जाएगा क्या, आई क्रॉस आई। सिमिलरली हम एक एक करके सॉल्व करके लिख देते रिजल्ट्स क्या क्या आएगा, एक्स को करेंगे बी वाई के साथ तो मिल जाएगा ए, या फिर ए वाई को कर रहे हैं ठीक है ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई ठीक, फिर ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई फिर प्लस एक्स बी वाई आई क्रॉस जे फिर ए वाई बी वाई ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे ठीक है फिर ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस एक्स बी जेड आई क्रॉस के फिर क्या होगा ए वाई बी जेड जे क्रॉस के और फिर क्या हो जाएगा ए जेड बी जेड के क्रॉस के ठीक। तो ऐसे इसको ब्रेक करके इतना लंबा लंबा सा लिखे हैं लेकिन हम लोगों को पता क्या है, एज हम लोग क्या जानते हैं अभी जस्ट देखे कि आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा ना, सिमिलरली यदि हम लोग जे क्रॉस जे करते हो तब भी जीरो हो जाएगा, जहां जहां के क्रॉस क्या है वो भी जीरो हो जाएगा ठीक है। आवाज आ रहा है सभी को ना, बोलो yes. समझ में आ रहा है, देख नहीं डाउट होगा तो पूछना ठीक है आराम से देखो धीरे धीरे। तो आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के भी जीरो हो जाएगा और जहां जहां हम लोग का आई क्रॉस मतलब आई क्रॉस जे के मिलेगा इस तरह का आएगा आई क्रॉस जे के मिल जाएगा ठीक। इस तरह जे क्रॉस आई माइनस के मिल जाएगा, जैसे हम जानते यूज करेंगे जब और इनको लिखेंगे तो हमारे पास देखो क्या टर्म बच जा रहा है जब इसको हम लोग लिख रहे हैं पूरा, तो देखो हम लोग के पास कौन सा टर्म से बच जाएगा इस तरह लिख देते हैं हम लोग पता है, जैसे आई क्रॉस के है यहाँ पे आई क्रॉस जे है तो ये सब तो पता है क्या होगा, यहाँ आई क्रॉस आई है जीरो हो जा रहा है तो फाइनली सॉल्व करने से बचेगा क्या देखो। तो अगर ए क्रॉस भी लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ए वाई बी एक्स ठीक है माइनस के कैप ये बच जाएगा प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई के कैप ये सब बच जा रहा है प्लस ए जेड बी वाई माइनस आई कैप फिर एक्स बी जेड माइनस जे कैप और ए वाई बी जेड आई कैप ठीक। तो इसमें तुम आई कैप कॉम्पोनेंट आई कैप को कॉमन ले लो यूनिट वेक्टर को तो यहां तुमको मिल जाएगा ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई यहाँ पे क्या करोगे आई कैप कर दोगे ठीक माइनस यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स ये जे कैप और प्लस क्या बचेगा प्लस बच जाएगा एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप ठीक।
तो ये रह जाएगा, ये के कैप है यहाँ पे, इसके साथ के कैप है, ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी रह जा रहा है हम लोग का। तो देखो इतना तुम याद रख सकते हो, इतना करना नहीं पड़ेगा तुमको। एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डिटर्मिनाट, मैथ्स में एक रूल है, ठीक है। तुम लोग तो मैथ्स नहीं पढ़ोगे 11th 12th में, बट जिनका मैथ्स अगर होगा साइड में तो वो पढ़ेंगे। मैथ्स में एक डिटर्मिनाट करके होता है, तो हम लोग इतना नहीं करके एक डिटर्मिनाट को सॉल्व करेंगे तो पूरा क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग आसानी से मिल जाएगा, याद भी रखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेथड टू क्या है, डिटर्मिनाट मेथड, देखो इसको सीखो अच्छे से। दूसरा मेथड क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, मेथड टू में इतना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट टू में क्या है, मेथड टू में ये कंपोनेंट फॉर्म में अगर होगा तो हम लोग करेंगे, इसमें यूज करेंगे डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड मैथ्स में यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेंट, कैसे देखो सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ए वेक्टर है हम लोग के पास, ए वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप है प्लस ए वाई जे कैप है और ए जेड के कैप है, और वेक्टर बी क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा, बी एक्स आई कैप था, बी वाई जे कैप था और क्या था, बी जेड के कैप था। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। यहाँ पे हम लोग एक ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, इस तरह बड़ा सा ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, और यहाँ पे जो आई कैप जे कैप के कैप उनको लिख देंगे, आई कैप लिख दिए, जे कैप लिख दिए और के कैप लिख दिए, और इसके नीचे हम लोग कोफिशियंट्स को लिखेंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड का। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स, तो ए क्रॉस बी करें पहले ए के कोफिशियंट को लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ए एक्स लिख देंगे, यहाँ पे ए वाई लिख देंगे और यहाँ पे ए जेड लिख देंगे, ठीक है। फर्दर हम लोग बी के कोफिशियंट्स को लिखेंगे, बी एक्स, बी वाई और बी जेड, समझ में आ रहा ना, इस तरह लिख दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो हम लोग इस मेथड को बोलते हैं डिटर्मिनेंट, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इस आई को तुम भूल रिमूव करो, मतलब इन इन सबको भूल जाओ, ये वाली चीज को, इसको भूल जाओ, ठीक है। क्या बचा, ये वाला ये बचा सिर्फ, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड बचा। तो जिसको तुम लिख रहे हो, मतलब जिनको तुम रिमूव कर रहे हो, उस कॉम्पोनेंट उसके यूनिट वेक्टर को लिखोगे, आई कैप लिखोगे यहाँ पे, और जो बचा है उसको लिखोगे। क्या क्या बचा है हम लोग के पास, ए वाई ए जेड बी वाई और बी जेड, ये रहा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई और बी जेड को, फिर हम लोग माइनस करके बी वाई और ए जेड को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए वाई बी जेड को, उसके बाद माइनस करके बी वाई और ए जेड को। तो क्या यहाँ पे बचेगा, देखो रिजल्ट में आई कैप लिख देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, ए वाई इंटू बी जेड हो जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे, एरो जैसे दिए हैं, फिर माइनस बी वाई ए जेड, समझ में आ गया। तो ये हम लोग का बच गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट में हम लोग इस जे को हटाएंगे, जे लिख के इसको हटा देंगे, नेक्स्ट में हम लोग जे लिख के इसको हटा देंगे, लेकिन इस बार हम लोग को माइनस जे लिखना पड़ेगा, ये रूल है तो इसमें याद रखना, नेक्स्ट माइनस जे लिखना पड़ेगा। और कोफिशियंट क्या क्या बचा हुआ है, कोफिशियंट बचा अपने पास कौन कौन सा, ए एक्स, देखो क्या बचा, ए एक्स बचा हुआ है और ए जेड बचा हुआ है, बी एक्स बचा हुआ है और बी जेड बचा हुआ है, ठीक। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह एक्स को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी एक्स को ए जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट जो आएगा, माइनस जे क्या मल्टीप्लाई किए हैं, एक्स बी जेड, तो लिख देंगे एक्स बी जेड माइनस क्या हो जाएगा, बी एक्स इंटू ए जेड, तो ये रह जाएगा, ठीक। फिर के लिए ऐसा करेंगे, के के टाइम में क्या करेंगे हम लोग, इस के को रिमूव, के के कंपोनेंट्स को हटा रहे हैं, कोफिशिएंट्स को, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे
के कोफिशिएंट्स को हटा रहे हैं। यहाँ देखो, हम लोग इस के कोफिशिएंट्स को हटा रहे हैं, इन सब कोफिशिएंट्स को, तो क्या आप लिखेंगे? के लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे हम लोग के लिखेंगे, और के का कोफिशिएंट क्या क्या है? एक्स है, ए वाई है, बी एक्स है और बी वाई है। ये बच जाएगा एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई। तो यहाँ पे के लिख देंगे, ठीक है? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो के लिख दिया, क्या बचेगा? एक्स बी वाई बच जाएगा, और माइनस बी एक्स ए वाई बच जाएगा। तो यानी कि ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट फॉर्म से क्या आ गया? तो ऐसे समझाने में टाइम लग रहा है, पर तुम लोग इसको तुरंत कर ओरली हो जाता है, ठीक है? प्रैक्टिस करने पे तुरंत हो जाएगा, और इसका बहुत यूज होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ए क्रॉस बी क्या आ जा रहा है यहाँ पे? आई कैप हम लोग कॉमन लिए, ए वाई हो जा रहा है, ए वाई, बी जेड बच जा रहा था, माइनस बी वाई ए जेड, फिर माइनस यहाँ पे क्या जे था, यहाँ क्या बच गया था? एक्स बचा था, बी जेड बचा था, माइनस बी एक्स ए जेड था, प्लस के था। के साथ क्या यहाँ पे था? यहाँ पे नीचे लिख दे रहे, ठीक, यहाँ टेगा नहीं, नीचे लिख दे रहे। तो प्लस क्या था? के था, के साथ एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये होगी, ये हम लोग का बच गया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट दो यूनिट वेक्टर का हम लोग ऐसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म। चलो अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर सवाल बनाएंगे। कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है। क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है, एंटी कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी, अभी देखे थे हम लोग शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही, ये इक्वल नहीं आ रहा है बी क्रॉस ए का, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव। दूसरा क्या होगा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, जैसे डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव था, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस, अगर लिखते हैं बी प्लस सी, तो ये हमको मिल जाएगा क्या? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस तरह ये फॉलो करेगा, ठीक है? दूसरा जो, तीसरा जो है वो एसोसिएटिव भी होगा, ये एसोसिएटिव भी होगा, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी होगा ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो जैसे मान लो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, सॉरी एसोसिएटिव मतलब, एसोसिएटिव मतलब क्या हो गया? देखो एसोसिएटिव का मतलब हो गया कि इस तरह का लिखेंगे ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी, ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी करेंगे अगर, ठीक है? ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी यदि कर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे? ए क्रॉस सी मिलेगा, ए क्रॉस सी मिल जाएगा, प्लस ए क्रॉस सी मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा ए क्रॉस डी, ठीक है? इस तरह सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव लॉ, ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी, प्लस क्या बचेगा? प्लस बच जाएगा यहाँ पे हम लोग के पास बी क्रॉस सी और प्लस बी क्रॉस डी। तो दिस इज कॉल्ड योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चौथा क्या एक पॉइंट है यहाँ पे याद रखने का बात जो है,
चौथा पॉइंट याद रखना कि पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा जीरो डिग्री है, ठीक। तो ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर मतलब थीटा जीरो डिग्री, तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तब, क्योंकि क्या होगा ए बी साइन थीटा, तो साइन जीरो, इसलिए जीरो आ जाएगा, ठीक है, इन जीरो आ जाएगा, इन कैप डायरेक्शन जीरो, जीरो वेक्टर, समझ में आ गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था, एंटी कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके एसोसिएटिव और पैरेलल वेक्टर क्रॉस पर जीरो। अच्छा और एक बात यहाँ पे नोट में लिख लो, जिससे जैसे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, देखो नोट में लिख लो अच्छे से, बहुत यूज आएगा हर एक सवाल में, ठीक। हम लोग को निकालना है मान लो पैरेललोग्राम का एरिया, जैसे मान लो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज ऐसे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे दो वेक्टर से, एक वेक्टर सपोज ए ले लिए, इसका नाम दिए पी क्यू, और इसका जो टेल है उसको दूसरे वेक्टर बी के साथ ऐसे कोइंसाइड कर रहे हैं, ये कोई दूसरा वेक्टर बी है, टेल टेल मेथड, इसका नाम एस दे दिए, और ऐसे हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ये अगर ये थीटा एंगल है दो वेक्टर के बीच में, और यहां से एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल लिखते हैं, सपोज इसको हाइट h मान लिए, ये क्या जाएगा नॉर्मल n। तो देखो a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b होता है हम लोग का मैग्नीट्यूड उसका ए बी साइन थीटा, है ना, ए बी साइन थीटा। अब देखो अगर ये b है तो क्या इस h को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से b साइन थीटा लिख सकते हैं, तो हम लोग इस h को ट्रिग्नोमेट्री से क्या लिख रहे हैं, b साइन थीटा। तो दिस इज एक्चुअली ये एच कितना आएगा, बी साइन थीटा आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ये एच बी साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ए इंटू एच, यही तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, ठीक है, यही पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा। तो यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म में रहेगा, तो उन दो वेक्टर का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे लिखते हैं, हम पूछेंगे इसका आंसर, तुम लोग से बताना जितने लोग हो, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक, सिक्स स्टूडेंट्स है, ठीक है, जिनका आंसर पता होगा वो बताना यहाँ पे। देखो जैसे दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर क्या दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले पैरेललोग्राम का निकालते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, व्हेन एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड कितना दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय वेक्टर, एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, तो एक वेक्टर दिया हुआ है ए, ए वेक्टर कितना है यहाँ पे, ए वेक्टर सपोज आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ठीक है, और एक वेक्टर बी दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है, टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस के कैप। तो हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो क्या फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पर निकालेंगे, ए क्रॉस बी कर देंगे यहाँ पे, जो कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट फॉर्म से लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखते हैं पहले आई कैप जे कैप और के कैप, कोफिशियंस कितना है, वन टू थ्री ए का, और बी का कितना है, टू माइनस थ्री और वन। इसको जब तुम सॉल्व करोगे आई कैप जब लिखते हैं तो इनको भूल जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, यहाँ पे टू और माइनस 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 थ्री माइनस थ्री नाइन, यानी कि टू प्लस नाइन, तुम सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, टू प्लस नाइन, फिर माइनस जे लिखते हैं, ठीक है, तो माइनस जे लिख के देखो वन और माइनस कितना सिक्स, यानी कि माइनस फाइव और माइनस जे था,
कितना जाएगा प्लस फाइव, तो यहाँ बचेगा प्लस फाइव जे कैप, के कैप के लिए कितना बचेगा देखो, -3 और -4 तो -7 आ गया, तो -7 के कैप बचेगा, यहाँ बच जाएगा -7 के कैप, समझ में आ रहा होगा डिटरमिनेंट से, ये हो जाएगा -7 के कैप, तो हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 11 i कैप प्लस 5 j कैप -7 k कैप, तो ये हम लोग क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो लिखेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है समझ में आ रहा होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस -7 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, 121 प्लस 25 प्लस 49 यानी कि 195, तो 195 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है, एरिया के लिए लोग मैग्नीट्यूड निकाल दे रहे हैं। चलो अब तुम लोग एक सवाल दे रहे हैं, आंसर बताना, तुम लोग एक क्वेश्चन दे रहे जितने लोग हो, ठीक है ध्यान से सुन रहे हो, आंसर बताना क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर, कौन कौन सा वेक्टर, दो वेक्टर से, तो एक वेक्टर दिया हुआ है ए कैप, ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 3 i कैप प्लस 4 j कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है एक वेक्टर बी, बी वेक्टर कितना दिया हुआ है -3 i कैप प्लस 7 j कैप, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, ट्रायंगल निकालने के लिए मैग्नीट्यूड को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को, ठीक, चलो एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, आंसर बताना क्या होगा, ए क्रॉस बी कर लो सीधा, चलो जितने लोग हो आंसर बताना, ठीक है प्रशांत अनुष्का जितने भी हैं, ठीक है आंसर बताना यहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाएगा बोलो, ए क्रॉस बी कितना होगा निकालें यहाँ पे, ए क्रॉस बी कैसे लिखोगे, कोफिशिएंट्स लिख दोगे आई कैप जे कैप और के कैप, तो कितना होगा आई का यहाँ पे 3 j का 4 था और के में कुछ नहीं है तो के में 0, के में कुछ नहीं तो के में 0, बी के लिए क्या था -3 7 और के में कुछ नहीं तो के में 0, इसको सॉल्व कर दो अब, ठीक है देखो आई कैप कर रहे हैं तो दिस इनटू दिस 0 आ गया, पूरा दिस इनटू दिस 0 आ गया, तो ये टर्म तो गया, फिर माइनस जे लिख रहे हैं, किसको मल्टीप्लाई करते हैं इनको 3 और 0 को, तो फिर से 0 और 3i-0 तो ये भी 0, के कैप के लिए क्या हो जाएगा, के कैप करेंगे तो इसको हटा दे रहे हैं, तो 21 3 7 21 और -12 और माइनस प्लस प्लस, क्योंकि माइनस दिस इंटू दिस करते हैं तो +12 हो जाएगा, यानी कितना बचा 33 k कैप, तो ए क्रॉस बी आ गया 33 k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड 33 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है तो क्या मिलेगा 33 मिलेगा, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जब करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी, तो कितना हो जाएगी 33/2 स्क्वायर यूनिट, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है 33/2 स्क्वायर यूनिट, बोलो आंसर समझ में आ रहा है ना, ठीक है 33/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, समझ में आ गया 33/2 स्क्वायर यूनिट। चलो अब अगला सवाल देखते हैं, एक यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखो क्या दिया गया,
इसमें बोला गया कि प्रूफ दैट, प्रूफ दैट द वेक्टर ए, ए वेक्टर दिया हुआ है कितना, ए वेक्टर दिया हुआ है सपोज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप दिया हुआ है, और b वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, दो वेक्टर दिया गया है, और c वेक्टर दिया हुआ है, एंड c इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप दिया हुआ है। तो क्या प्रूफ करना है, फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ये बताना है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ये प्रूफ करना है, ये पार्ट ए है सवाल का। और पार्ट बी में क्या दिया हुआ है, देखो पार्ट बी में है, पार्ट बी में क्या, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट, ये दूसरा सवाल है, ठीक है, उसी का बी पार्ट है, मतलब दूसरा एक क्वेश्चन है, एक ये एक सवाल हो गया ए पार्ट, और एक बी पार्ट का दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें पता करना डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट, किन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल, एक वेक्टर ए दिया हुआ है ए इक्वल टू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप, और एक वेक्टर बी दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो इस ए क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा उसका पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा उसका कोई पैरेलल वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी एक वेक्टर मान लो सी आ गया, तो सी क्या हो जाएगा, सी का पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, समझ में आ गया, क्योंकि पैरेलल का डायरेक्शन सेम होता है। चलो पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगा, वेक्टर हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए बी सी तीन वेक्टर, तो प्रूफ करना राइट एंगल ट्राइंगल होगा। देखो ट्राइंगल ना मैं बताए थे कि दो वेक्टर का जो एडिशन है वो तीसरे के बराबर आना चाहिए, तो इस सवाल में देखो दिख रहा होगा, अगर हम लोग वेक्टर बी प्लस सी करेंगे तो यहां पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर मिल जाएगा, देखो बी सी को ऐड करो तो 2 + 1 = 3 या -2 और यहाँ पे -5 - 4 = 1, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे बी और सी को ऐड करें तो ए वेक्टर मिल जा रहा है, यानी कि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा। अब प्रूफ करना राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल कब प्रूफ कर पाएंगे, जब इन तीनों वेक्टर में से किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाएगा तभी बोल पाएंगे कि दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तभी क्या बोल पाएंगे कि दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री, समझ में आ रहा है ना सभी को, ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछना आराम से, ये नहीं कि बताते जा रहे हो सुनते जा रहे हो, कहीं भी कुछ पूछना होगा तो पूछना ऑन करके यहाँ पे, ठीक, अच्छे से पढ़ो ये सब, ठीक है, जो बता रहे हैं, जहाँ भी डाउट होगा पूछना। तो देखो यहाँ पे तुमको प्रूफ करना होगा, तो ए डॉट बी करके देखते हैं पहले, यदि हम लोग ए डॉट बी करेंगे देखो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं, तो सबको करने आता है ए डॉट बी, तो देखो 3i कैप माइनस 5j कैप, अच्छा कितना कितने बच्चे थे शुरू में, दो तीन बच्चे चले गए क्या, दो बच्चे यहाँ से गए हैं क्या, तो बहुत सारे गए, कितने बच्चे गए हैं, 3-4 सर, उससे ज्यादा, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या वेक्टर, पता नहीं सर, पढ़ता है कि नहीं, तो पढ़ते तो है सब, अच्छा तो समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं हमको तो आ रहा है, ठीक है देखो बताना लो क्लास करने, तो लोग समझ में नहीं आएगा। Yes, तो
ए डॉट बी करे तो बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप, और वी वेक्टर कितना दिया हुआ है, वी वेक्टर देखो यहाँ पे दिया 6i, ऊपर देखो आई कैप माइनस 3j कैप, तो लिखो आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे 3i.i1, तो मतलब i डॉट i j डॉट j और k डॉट k बचेगा, तो लिख दो डायरेक्ट, तो 3i.i प्लस 6j.j और प्लस 5k.k, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा हम लोग के पास, हाँ बोलो। सर इसमें मतलब ए वाले में तो आप दूसरा वेक्टर दिए थे ए का ए वेक्टर ये दिया ना 3i कैप माइनस पार्ट टू, में, हाँ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप दिए हैं, ठीक है। हाँ अच्छा 5 लिख दिए क्या, अच्छा ठीक हाँ ठीक ठीक ओके ओके, दूसरे का लिख दिए, ठीक है इसको चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है इसको चेंज कर दे रहे हैं। अच्छा ए वाले में यहाँ पे 3 माइनस 2 दिए थे ना, माइनस टू, हाँ माइनस टू, ठीक है ठीक माइनस है। माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू कर लो, और ये के कैप सिफ्ट हो जाएगा ना, प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6j.j, और ये हो जाएगा 5k.k, तो 3 प्लस 6 प्लस क्या बचेगा 5, यानी कि 14 बच जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे ए डॉट भी 0 नहीं आ रहा है, तो यानी ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बी डॉट सी फाइंड कर रहे हैं हम लोग, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप है, और क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो कितना हो जाएगा 2, ये सही है ना वेक्टर, देख लो बी वेक्टर क्या था आई कैप माइनस थ्री जे कैप फाइव कैप, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो तो क्या बचेगा 2 माइनस 3 और -20, तो -21 यहाँ मिलेगा हम लोग को, तो ये भी यहाँ पे बी डॉट सी भी 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे बी डॉट सी भी 0 नहीं आ रहा है, ये वेक्टर भी 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग चेक करते ए हैं डॉट ए सी सी, हाँ सी डॉट ए या ए डॉट सी, सी डॉट ए चेक करते हैं, जो भी हो एक ही बात है, कम्यूटिव हो जाएगा ए डॉट सी सी डॉट ए एक ही बात है। इसको चेक कर लो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप था, डॉट कर रहे हैं किसके साथ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए और सी दोनों परपेंडिकुलर है। तो इससे ये पता चलेगा, इससे ये पता चल जा रहा है हम लोग को कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ में आ गया ना, तो इससे ये पता चल जाएगा गिवन वेक्टर्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, इससे पता चल जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल पे है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या बोला गया, देखो दूसरा सवाल में बोला गया कि यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी का एक वेक्टर आएगा, तो जो कि उसका डायरेक्शन पैरेलल होगा किसी वेक्टर का, तो क्या डायरेक्शन होगा ये पता करना है। क्वेश्चन देखो क्या है कि डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, तो जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा वही वेक्टर गिवन यूनिट वेक्टर किसी और भी वेक्टर का पैरेलल होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में करेंगे तो क्या होगा, इस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को लिखेंगे हम लोग, अगर यूनिट वेक्टर फॉर्म में है कॉम्पोनेंट फॉर्म में है, सीधा हो जाएगा ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी क्या होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन कैप, यहाँ पे रहेगा एक एक डायरेक्शन रहता है एन कैप, तो यहाँ से इनको एन कैप चाहिए, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर, तो क्या लिखेंगे ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। तो देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी चाहिए, तो वेक्टर ए क्रॉस बी निकालो जल्दी से पहले, तो ए कितना दिया हुआ है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप, और बी कितना है 6i कैप प्लस 5j कैप
प्लस टू के कैप, तीन दोनों क्रॉस पर निकाल लेंगे डिटरमिनेंट से करते हैं सॉल्व, तो जल्दी जल्दी डिटरमिनेंट निकालो। तो आई कैप जे कैप के कैप यहाँ हो जाएगा 3 - 5 - 10 और क्या होगा 6 - 5 - 2, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को, आई कैप हो जाएगा -10 - 50 प्लस जे कैप क्या रहेगा, जे कैप रहेगा 60 - 6 और के कैप में बच जाएगा कितना 15 + 30। सॉल्व कर देखो ये जल्दी से डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा कितना -60 आई कैप मिल जाएगा प्लस 54 जे कैप मिल जा रहा है और 45 के कैप मिल जा रहा है। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 60 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो सॉल्व करने से क्या आएगा, ये बहुत लंबा सा कुछ आ जाएगा, लॉन्ग लेंदी आएगा, 8541 आ जाएगा, जिससे रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है वो हो जाएगा एन कैप, क्या वैल्यू क्या आ जाएगा -60 आई कैप प्लस 54 जे कैप प्लस 45 के कैप डिवाइड बाय 8, रुको इसको ऊपर कर दे स्क्रीन थोड़ा, डिवाइड बाय मॉड ऑफ 8541। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है ना। यस सर। चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों दे रहे हैं, इसको बनाओ तो। चलो जो जो लोग क्लास कर रहे हैं यहाँ पे उन बताओगे आंसर, बताओगे पहले सभी लोग। ठीक है, यहाँ देखो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ पूछा गया है, यदि मान लो इफ टू वेक्टर्स, पैरेलल वाला क्वेश्चन एक बता दिया था, इसको निकालो। चलो देखो यहाँ पे क्या बताया गया, फाइंड द टॉर्क। टॉर्क फिजिक्स में पढ़ोगे, रोटेशनल मोशन में इसको बोलते हैं टर्निंग फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स ठीक, एफ फोर्स एक दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है 2i - -3j प्लस 4k है ये फोर्स न्यूटन, इतना न्यूटन फोर्स है, मान लो इतना न्यूटन फोर्स है, ये एक्टिंग कर रहा है, ये एक्टिंग एक्ट हो रहा है किसी पॉइंट पे, एक्टिंग एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, आर कोई पॉइंट है मान लो, आर वेक्टर है, कितना ये सपोज 3i - 2j - 3k है इतना मीटर। ठीक, अबाउट द ओरिजिन, और ओरिजिन का अबाउट लग रहा है, तो पता कीजिए कि टॉर्क कितना होगा। देखो टॉर्क पता है क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये तुम आगे पढ़ोगे, अभी बस ये इक्वेशन जान लो, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिख दो टॉर्क टाउ, इसको टाउ बोलते हैं, TAU ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई कैप जे कैप और के कैप, कोफिशियंट्स क्या है आर का, आर का कोफिशियंट है 3, 2 और 3 और इसका आर का, और एफ का कितना है, एफ का है 2 - 3 और 4, तो बताओ इसमें टॉर्क कितना आएगा तब। चलो बताओ तुम लोग बनाने दे रहे हैं, जल्दी से डिटरमिनेंट सॉल्व करो, बोलो क्या आ जाएगा, आवाज आया ना, बोलो सर बना रहा। हाँ बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, डिटरमिनेंट सॉल्व करो। टॉर्क निकालना है, ठीक है, आर क्रॉस एफ करना है, तो 79 - 6j - 13k। ठीक, वेरी गुड, ये आ जाएगा 79 के, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस डिटरमिनेंट सॉल्व किए जैसे करते हैं सिखाए हैं उस तरह,
तो इसका आंसर मिलेगा हम लोग को 17 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 13 के कैप, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपली सॉल्व करेंगे तो टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सब वेक्टर का प्रोडक्ट आएगा। ये सब जब भी सॉल्व करेंगे तो इसका प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर आता है। ठीक, चलो और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ और एक क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या सवाल है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाओ। दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है सपोज 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है कितना 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो हमको निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है इन दो वेक्टर, मतलब इन दो वेक्टर से। ठीक है, चलो बनाओ। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का हाफ कर लोगे। चलो जल्दी बताओ, जल्दी से बनाओ। बन रहा है ना, बोलो बनेगा ना? यस सर। बनाओ जल्दी। कितना होगा बताओ आंसर, ए क्रॉस बी करना है। ठीक है, ए क्रॉस बी करना है, उसका मॉड निकाल के हाफ करना है। तो ए क्रॉस बी कर लो, आई कैप जे कैप के कैप 3 - 6 - 2 - 1 - 2। ठीक है, वेक्टर सॉल्व कर लो फटाफट, 3 - 6 - 2 - 1 - 2। आई कैप क्या हो जाएगा, 12 - 2 - 10। ठीक है, जे कैप करके देखना सॉल्व कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है, 10 ही आ रहा है, और ये K15, K15 वेरी गुड। ठीक है, K कैप 15 आएगा, मतलब ये हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 15 के कैप। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना मैग्नीट्यूड बताओ, क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो आएगा ये होता है कितना 225 प्लस 200 यानी कि 425, ये 5√17 होता है। ठीक है, बस सॉल्व कर लो इसको, तो एरिया क्या आ जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी यानी कि 5√17/2 यूनिट, इट इज आवर आंसर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट होता है एरिया, मतलब स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक, चलो आगे फिर हम लोग देखते हैं एक सवाल, क्या बोला गया, एक क्वेश्चन ये वाला देखो, ये क्वेश्चन दिया गया था एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन द वेक्टर, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इस थीटा, मान लो दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। कितना वैल्यू हुआ ट्रिपल प्रोडक्ट का, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ रहा है यहां पे, ए डॉट बी क्रॉस ए। ठीक, इनका वैल्यू बताओ क्या होगा, चलो इसको बनाओ जल्दी से। इसको बनाओ क्या होगा जल्दी से,
क्या हो जाएगा बोलो, जल्दी बनाओ इसको। ए डॉट बी क्रॉस ए है तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा यहाँ पे? समझ में आ रहा सवाल, बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर, पर कैसे बनेगा? देखो बता रहे कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा बता रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए दो दो वेक्टर्स का। तो हम लोग यहाँ पे B क्रॉस A अगर करेंगे, तो B क्रॉस A कोई वेक्टर अगर हम लोग करेंगे तो एक हम लोग को वेक्टर मिलेगा, वेक्टर C मिल जाएगा। यानी कि यदि मान लो ये हमारा एक वेक्टर B है, ठीक है, और एक वेक्टर ये A हो गया। तो अगर हम लोग B क्रॉस A कर रहे हैं, B से A की तरफ जाएंगे, तो हमको एक वेक्टर मिलेगा C मान लो रिजल्टेंट, जो कि इस प्लेन का नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, C वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो A भी तो एक प्लेन पे है और ये वेक्टर A भी, ठीक है, अगर ये A वेक्टर है तो ये इस प्लेन में ही होगा A भी, क्योंकि ये भी A है और यहाँ भी A है, तो दोनों प्लेन पे है। तो क्या हो जाएगा, A C जो दिख रहा है वो इस प्लेन का परपेंडिकुलर दिख रहा है, यानी कि A डॉट C अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या है, ए जो है वो परपेंडिकुलर टू सी हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बोलो कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ गया कि ए वेक्टर जो होगा, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, वेक्टर सी का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लोग प्रॉपर्टीज का भी यूज कर रहे हैं वेक्टर सॉल्व करने के टाइम में, कि जिस जिस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं वो सब हम लोग देख रहे हैं। समझ में आ गया ना, बोलो। यस सर। हाँ, तो ये सब बात क्लियर है। इसके बाद यहाँ देखो आगे एक और सवाल देखते हैं हम लोग। देखो एक और सवाल देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन ये वाला देखो, इसको भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्यूब है, या फिर ये वाला एक बार देखते हैं उसके बाद क्यूब वाला करेंगे। क्या दिया, इफ अ पार्टिकल, ऑफ मास एम, ठीक है, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक पार्टिकल एम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी है वेलोसिटी, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर। फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम, क्या निकालना है, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू, ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो मान लो कि यहां पे एक डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। सपोज कि हम लोग वाई एक्सिस ले लिए और ये हम लोग ले लिए एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक मास ले रहे हैं एम और ये एक वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, देखो एंगुलर मोमेंटम पता है क्या होता है, ये होता है एल को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, ये पढ़ोगे, एंगुलर मोमेंटम भी रोटेशनल चैप्टर है फिजिक्स में, उसे पढ़ाई होगा।
एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं हम लोग आर क्रॉस पी। आर मतलब तुम्हारा एक पोजिशन वेक्टर और पी मतलब मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम जो क्लास 9 में पढ़े थे, एम इनटू वी, लिनियर मोमेंटम। तो डायग्राम दिया गया है। अब ये आर जो है क्या होगा, ये हम लोग परपेंडिकुलर रहना पड़ेगा हमेशा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर ये ओरिजिन अगर मान लेंगे तो हमको यहाँ पे मिल रहा है एम का तक का पॉइंट। तो इसको अगर इस तरह का नॉर्मल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसको मिलाएंगे, तो हम लोग को यहाँ पे मिल जा रहा है एक हाइट एच, जो कि इस वी का यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, अब एल को तुम लिखो आर क्रॉस पी। तो आर क्या क्या वेक्टर होगा, आई कैप लिख दो, जे कैप लिख दो और के कैप लिख दो। तो डायरेक्शन क्या है, एक्स वाई जेड पोजिशन वेक्टर, ये तीनों प्लेन पे लेना पड़ेगा। तो एक्स के तरफ का वेक्टर पी एक्स दिया हुआ है, सॉरी मोमेंटम, वाई के तरफ में पी वाई ले लेंगे और जेड के तरफ में सपोज पी जेड ले लेंगे। तो यही है पोजिशन वेक्टर मोमेंटम। तो देखो अब सवाल में क्या, ये एक्स वाई प्लेन पे है, मोशन किस में हो रहा है, मोशन एक्स वाई प्लेन पे हो रहा है, मोशन इज इन एक्स वाई प्लेन। तो इसीलिए यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो पी जेड क्या हो जाएगा, पी जेड भी जीरो हो जाएगा, जेड में कोई डायरेक्शन मोशन हो ही नहीं रहा है, तो इस तरह का मोमेंटम जीरो और जेड भी जीरो। तो एल खाली एक्स वाई प्लेन पे हो रहा है। तो यहाँ पे एल को जब सॉल्व करें क्या मिल जाएगा डिटर्मिनेंट से, देखो इस के के को हटाएंगे, मतलब के को लेंगे, इनको हटा देंगे, तो के कैप बचेगा जैसे हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व कर लो तो क्या बचेगा, एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू वी टी आ जाएगा, क्योंकि एक्स मतलब टी टाइम्स अगर वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है तो एक्स पे कितना आगे बढ़ा, वी इंटू टी टाइम्स, तो स्पीड होगा वेलोसिटी इन टाइम, तो वी टी हो जाएगा एक्स। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो अब, तो एल को यहाँ पे पुट कर दो जो वैल्यू है, तो के हो गया, ये होगा वी टी इंटू वी पी वाई, कितना है, वाई के तरफ देखो, वाई के तरफ क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा, पी वाई के तरफ तो पार्टिकल मूव कर नहीं रहा है, तो पी वाई के तरफ का मोमेंटम जीरो है, और पी एक्स के तरफ कितना है, एम वी है, देखो एम वी इधर जा रहा है वेलोसिटी, इधर नहीं है, तो यहाँ पे वी टी इंटू पी वाई तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया। माइनस वाई कितना निकाला डायरेक्शन, वाई का कितना हाइट है, यहाँ पे बी है, ये एच, ये बी लिख दो, एच लिखे हैं, इसको बी मान लो, एच जो भी लिखना है, तो बी हो गया वाई कोऑर्डिनेट, और इधर का एक्स कितना है, एम वी है पी एक्स का वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा, माइनस एम वी के कैप इंटू बी, यहाँ बी बी रह गया, एक्टर को बी छूट गया है, माइनस एम वी वी माइनस एम वी बी के कैप। ठीक है, समझ में आ गया, बोलो। यस सर। बस मोमेंटम निकालने हैं, ठीक है, जो क्या होता है पोजिशन वेक्टर आर क्रॉस पी, लिनियर मोमेंटम और पोजिशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, और यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, मान लिए बी है, ये वी से मूव कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो मोमेंटम एम वी हो जाएगा। ठीक, इसको नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन कर लो। यस सर, कर लिए। ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं तक, फिर अगला क्लास में हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम और बनाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हो गया है, कुछ इसका एडिशनल क्वेश्चंस बताएंगे, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉलीगन लॉ बचा है उसको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक ठीक, ओके, तो स्टॉप शेयर कर रहे हैं।